वेलकम टू फिल्मी बीट। कंगना रनौत कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में पहुंची और जहां उन्होंने गदर मचा दिया। अपनी अदाओं और जलवे बिखेरते हुए नजर आई कंगना रनौत। वो इतनी खूबसूरत लगी कि कोई भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। कंगना ने इस इवेंट में रेड कारपेट पर कई रंग बिखेरे। अभी हाल ही में हमारे हाथ कंगना की कुछ नई तस्वीरें लगी हैं, जिनमें वो बड़ा सी खूबसूरत नजर आ रही हैं। कंगना ने इस फोटो में शिफॉन फैब्रिक वाले ड्रेस को पहना हुआ है और इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं कंगना। कंगना ने कांस फिल्म फेस्टिवल में कई ऐसे पोज दिए जिससे नजर हटा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कंगना ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सफेद रंग के कई खूबसूरत ड्रेस पहने थे, जिसमें कंगना ने एक गाउन भी पहना था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और उनके इंडियन अवतार को कौन भूल सकता है। कांस में जाने से पहले भी कंगना ने कहा था कि वो इस बार कांस में अपने इंडियन अवतार को फ्लॉन्ट करेंगी और वो कांस के रेड कारपेट पर कांजीवरम साड़ी में नजर आई। उनके इस लुक को इंटरनेशनली एप्रिसिएशन मिला। जैसे ही कंगना ये ड्रेस पहनकर रेड कारपेट पर पहुंची, हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। फिलहाल कंगना फिल्म फेस्टिवल में अपने जलवे बिखेर वापस मुंबई लौट आई हैं। कांस में जाने से पहले वो अपनी फिल्म पंगा की शूटिंग कर रही थी। वहीं कंगना की मेंटल है क्या भी इस साल ही रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर कंगना हाल ही में काफी सुर्खियों में रही और अभी वो पंगा की शूटिंग को लेकर काफी बिजी हैं, जिसकी जानकारी समय समय पर सोशल मीडिया पर उनकी टीम पोस्ट करती रहती है। हाल ही में कंगना ने कांस में जाने से पहले 5 दिनों में 10 किलो वजन भी कम किया था, जिसकी तस्वीरें भी उनकी टीम ने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली थी। फिलहाल तो कंगना के वापस आने के बाद अब इंतजार है उनके आने वाली फिल्म का। आप कितने एक्साइटेड हैं उनकी आने वाली फिल्म को देखने के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।